नमस्कार, आइए आपको प्रयागराज के मेजा की ओर ले चलते हैं, जहां ट्रांजिस्ट कैंप लखनपुर में प्रवासी राहगीरों की नहीं हो रही एंट्री। जी हां, मेजा क्षेत्र के विकास खंड उरवा के अंतर्गत ग्राम लखनपुर में हेल्थ ट्रांजिस्ट कैंप बनाया गया है, जहां पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि जो रोडवेज मेरे कैंप के सामने रुकेगी उन्ही लोगों के लिए ट्रांजिस्ट कैंप में एंट्री है, जिसमें पैदल राहगीरों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है और यह कहकर भगा दिया जा रहा है कि केवल बस वालों को ही यहां एंट्री दी जा रही है। यहां तक कि कुछ राहगीरों को इसलिए एंट्री नहीं दिया गया क्योंकि वे लोग पैदल आ रहे थे, जबकि राहगीरों ने अपना टिकट व पर्ची भी दिखाया, फिर भी भगा दिया गया। कोरोना रूपी महामारी में प्रवासी मजदूर विषम परिस्थितियों में भूखे प्यासे इस प्रचंड गर्मी में अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों व परिवारों वालों को लेकर जैसे तैसे चले आ रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में मासूम बच्चों की दशा क्या होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। CHC मेजा के अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने पूछा तो उन्होंने बताया कि राहगीरों के लिए भी ट्रांजिस्ट कैंप में एंट्री करने की सुविधा उपलब्ध है। इस संदर्भ में SDM मेजर से बात करना चाहा तो उनका फोन तक नहीं उठा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मेजर से गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। आप कहाँ से आए हो? सुनो, बॉम्बे कहाँ से आए हो? किस साधन से? कुछ पैदल कुछ साधन द्वारा भेज दिया गया। तो वहाँ चेकअप कराए थे? हाँ, वहाँ रास्ते में कई बार कई जगह रास्ते। तो तुम्हारे पास कोई कागज है? कागज वगज और लोग पाए थे और लोगों का ऐसे ही चेक करके बैठा दिए जल्दी जल्दी में। कहाँ से, किस ट्रेन से आए हो? कहाँ से? बस द्वारा। बस से आए हो? अच्छा, आप कहाँ से आए हो? इंदौर से। इंदौर से, तो वहाँ चेकअप कराए थे? वहाँ पे नॉर्मली से पूछा गया था, कोई रिटर्न में दिया गया नहीं है। अच्छा, तो ना आगे बढ़ो। तो ये क्या दिया जा रहा है बताओ? अभी सर इसको खोल के देखेंगे क्या है। क्या दिया जा रहा है? चावल है, आटा है, दाल है, बोल के देखो, भूंजा चना देखो, है और बहुत सामान है आइटम, वो है रिफाइन है। अच्छा, तो सभी को दिया जा रहा है? हाँ, एक परिवार में एक। अच्छा, SDM महोदय के? हाँ, उन्हीं के निर्देशन सब चल रहा है। अच्छा, चलो राशन का सारा सामान। अच्छा, हाँ शंकर जी, कह रहा हूँ। तो अभी तक जो है आप यहाँ कितने लोगों को यानी वितरित किया जा चुका है? 8 लोग आए थे। हाँ, जिसमें से 4 लोग एक दो परिवार के थे। हाँ, बाकी लोग सब एक परिवार से, एक बाकी जो एक परिवार से अकेले हैं सबको किट दिया जा रहा है। अच्छा, एक क्वारंटाइन सेंटर भी है? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर नहीं। अच्छा, बस ये लोग जो गवर्नमेंट की सुविधा है ट्रेन से आएंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर सरकारी बस से यहाँ आएंगे और वही लोग उतरेंगे उनका हेल्प के लिए। हाँ, रजिस्टर में अंकित किया जाएगा, फ्रेश व्रेश होना हो ले, खाना पीना का समय है खाना पीना खा लें और उसके बाद उनको नोटिस और किट लेकर छोड़ दिया अपने घर। अपने क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं तो यहाँ पे आप लोगों की जाँच हो गई? नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, जाँच पात नहीं होता, कागज बना के दे देंगे। बस उतारे थे, बस चौराहे में उतार दे, अभी इनके सामने तो नहीं ले आना, पूरा उतार दे, इनके अंदर कर दे घुसा के। हम लोग जहाँ बोले वो हमें तो बोलिए कि यहाँ राशन मिलता है, जाँच होता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहा है कि तुम लोग के कागज बना रहे, जाओ अपना जांच करा, जहाँ करा दे। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं जांच हो रहा है, कागज बन रहा है बस, कागज बन रहा है बस। जात भी पूछ रहा है, किस जात की? नहीं, ये सब नहीं पूछा। अच्छा, तो क्या आपका नाम क्या है? सोना देव। कहाँ से? गुगाबारी। गुगाबारी, शिवपुरा। कहाँ से आई हो? दिल्ली हरियाणा मानिस। अच्छा अच्छा, ठीक। मैम, यहाँ आपका ड्यूटी कब से लागू चल रहा है बताएं? हम मेजर सरकारी अस्पताल CHC मेजर से ही हैं, वहाँ पे हम 2013 से ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, किस पोस्ट पे हैं आप? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स, तो यहाँ पे जो है कितने टाइम आ जाते हैं आप? जब गाड़ी आती है, सूचना आती है तो हम चले आते हैं। अच्छा अच्छा, चाहे शाम को आए, चाहे रात में आए, चाहे अभी आए, जब भी हो गाड़ी आती है आप आ जाते हैं यहाँ एंट्री करने के लिए। रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं आप? उन लोग का पूरा सूची लेते हैं, फिर मेजा में जाके उनका पूरा ब्यौरा होगा, फिर। अच्छा अच्छा, पटक जाएगा। आपका नाम क्या है? कविता प्रजापति। हाँ, कविता प्रजापति।